हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड आई एम सॉरी डियर, मैं आप लोगों के लिए कल लाइव नहीं आ पाई और ना ही आज आ पाऊँगी, क्योंकि डियर इस वक्त मैं एडमिट हूँ अस्पताल में, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। लेकिन टाइम निकाल कर एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बना रही हूँ। 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आएगा डियर, वो ही देखेंगे। ओके, अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आ रही हो तो सॉरी डियर। एंड चलिए देखते हैं। देखिए डियर, ये पोर्टल आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। जो लोग अभी ना अपने प्यार से दूर हैं, अपने लवर्स से दूर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। काफ़ी टाइम से आप लोगों की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर अपने पार्टनर्स को लेकर। आपके पार्टनर्स आपको पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, है ना? तो डियर, ये सारी बातें जो भी हो रही हैं आपके साथ, ये अच्छी नहीं है। एंड यूनिवर्स चाहते हैं आपके लिए कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और आपके पार्टनर्स के जो दिल में हैं आपके लिए फीलिंग्स पैदा करने वाले हैं यूनिवर्स इस पोर्टल्स के बाद, क्योंकि डियर आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत बुरा हाल किया है आपके पार्टनर ने आपका, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव किया है। लेकिन अभी ना क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपको आपकी बार बार याद आ रही है, बार बार आपसे मिलना चाहते हैं, बार बार आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड डियर, आप दोनों को अलग करने में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। बहुत से जो रिश्ते हैं, बहुत से जो मतलब रिश्तेदार हैं, वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं। एंड डियर, बहुत से लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी उनका खुद का जो मतलब खुद का प्यार ही थर्ड पार्टी बना हुआ है, क्योंकि वो अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, अपने आप को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ के लिए सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ज़रूर कोई और है, आपने मूव ऑन कर लिया है। एंड यार, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उन्हें अब इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, क्योंकि डियर यार आपका ना काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट है। बहुत सारे पर्संस जो हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उनके पार्टनर उनसे मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि आपके रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी इशू नहीं है, आपने किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रखा है। आपके मुंह से ये सब कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट होने की वजह से आपके पार्टनर भी आप ही की तरह सोच रहे हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसी तरह से आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि हमारे रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दूर कर रही है, और ये 10-10 पोर्टल के बाद ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये आपकी लाइफ से जाने वाली है। आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, तभी आप उन्हें अपने दिल का हाल बता पाएंगे, अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे कि नहीं, हमारे लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, है ना? और डियर, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग करियर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके करियर में प्रोग्रेस होगी। एंड यार, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है, कोई पर्सन ऐसा आने वाला है जो आपको आगे बढ़ने में, करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। रीडिंग रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।